हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी और सबकी फेवरेट देसी मैक्रोनी। पहले हमें क्या करना है, मैक्रोनी को उबाल लेना है। जैसे पैकेट में इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं बिल्कुल वैसे ही, ओवर बॉयल नहीं करना मैक्रोनी को। जब मैक्रोनी उबल जाए तो उसे ठंडे पानी से छान के अलग कर लेना। फिर कढ़ाई में कुकिंग ऑयल, बटर डालना और वेजीज को अच्छे से सॉर्ट कर लेना, यानी कि भून लेना है। अपने मनपसंद की वेजीज ले सकते हो और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़रूर डालना, वो मैक्रोनी का टेस्ट एनहेंस करता है। उसके बाद इसमें सॉल्ट, चिली पाउडर और ओरिगैनो डालना और अच्छे से फिर से भून लेना। इसके बाद इसमें जो उबली हुई मैक्रोनी थी हमारी वो जाएगी और अच्छे से सब्जी और मैक्रोनी को मिक्स कर लेना। उसके बाद इसमें हमारी जाएंगी सॉसेस, जैसे चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस और टोमेटो केचप। सॉस को अच्छे से भून लेना है मैक्रोनी के साथ, कम से कम 2 मिनट तक पकाना है जिससे सॉस अच्छे से पक जाए। बस आपकी देसी मैक्रोनी तैयार है। आप इसे प्लेट में गरम-गरम सर्व करके खाइए और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू